मॉर्निंग प्यारे दोस्तों, कैसे हालचाल हैं आपके। उम्मीद है कि आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। अगर अच्छे नहीं हैं तो आज की वीडियो देख के डेफिनेटली अच्छे होने वाले हैं। आज क्या मेरे करने का प्लान है, कुछ खास नहीं है। मैं आज व्लॉग को एडिट करके ही अपलोड करना चाहती हूँ एंड मेरी क्लॉजेट्स को क्लीन करना चाहती हूँ। बहुत ज़्यादा क्लटर है। आई थिंक पिछले किसी व्लॉग में मैंने बताया था कि मैं नीचे से क्लीन करके अपस्टेयर लेके गई हूँ, वो अभी तक भी मुझसे क्लीन नहीं हुआ है। सो आज का हमारा टास्क होने वाला है उसी को क्लीन करने का। सो सुबह सुबह है, अब अराउंड 10 बजे हैं। हस्बैंड किसी काम से गए हैं और घर में सिर्फ मैं एंड हिम्मत है इस समय। सो हिम्मत को बना के देने वाली हूँ मैं ब्रेकफास्ट। रोटी एंड एग उसका फेवरेट है, परौंठी या एग, और रोटी एग भी उसे अच्छा लगता है। एंड मेरे लिए मैं चाय बनाने वाली हूँ। उससे पहले मैंने सोचा कि व्लॉग को शुरू कर लेते हैं। सो कैसे हालचाल हैं दोस्तों आपके, प्लीज़ बताएं मुझे, क्योंकि बहुत सारे दिन हो गए कि हमने आपस में बातचीत नहीं की। सो आई होप कि आपके घर में और आपके आसपास सब कुछ सही हो। सिचुएशन अभी पहले से धीरे धीरे करके थोड़ी बेटर हो रही है, पर कम्प्लीटली नॉर्मल कब होगी आई डोंट नो। और बुक इन्फॉर्मेशन देती हूँ मैं आपको। आजकल मैंने ये काफ़ी समय पहले ली थी, ओपरा की बुक द विजडम ऑफ संडेज। अगर आपको संडेज नहीं पता है तो ओपरा का बहुत पॉपुलर सुपर सोल कन्वर्सेशन प्रोग्राम आता है, जिसमें बहुत सारे लोगों के साथ वो बात करती हैं। उनमें से जो भी सेशन उन्होंने स्पिरिचुअल लोगों से किए हैं, या जो या स्पिरिचुअली कहेंगे जो यू नो मेडिटेशन से रिलेटेड, और या फिर जो यूनिवर्सल पावर में बिलीव करते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, ऐसे जितने भी लोगों के साथ उन्होंने बात की, उनमें उन सारी बातों का जो बेस्ट पोर्शन है वो इस बुक में। इस बुक को मैं दूसरी बार पढ़ रही हूँ अब, पर इसको पढ़ के बहुत मज़ा आता है दोस्तों, क्योंकि इतने सारे लोगों की बेस्ट बेस्ट बातें आपको इस एक बुक में मिल जाएंगी। सो मज़ेदार है। इसमें जो मेरे फेवरेट राइटर्स हैं स्पिरिचुअल किताबों के, उनकी बातें भी हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जिनको मैं बिल्कुल जानती नहीं हूँ और इसके बाद मुझे पता चला है और मैं उन पे लाइक रिसर्च कर रही हूँ कि क्या क्या किया है उन्होंने, कैसे वो स्पिरिचुअली अवेकन हुए, और बहुत मज़ा आ रहा है। एक और बात बताना चाहूँगी, इसी बुक की मदद से, इस बार पढ़ने की मदद से, मैं आजकल मेरी जो मेडिटेशन प्रैक्टिस है वो मैं ऐसे कर पा रही हूँ कि बिना गाइडेड मेडिटेशन, बिना गाइडेड वीडियो प्ले किए मैं मेडिटेट कर पा रही हूँ कुछ देर के लिए, लाइक बहुत लंबे समय के लिए नहीं, छोटे पीरियड के लिए, अराउंड 15-20 मिनट के लिए मैं अपना थॉट्स को लाइक आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन दैट एक्सपीरियंस, पर पहले मैं मुझे कोई वीडियो प्ले करनी पड़ती है मेडिटेशन के लिए, ताकि जो भी वो बोलते जाए टीचर उसको मैं फॉलो करते जाऊँ। पर इस बुक की मदद से, इसमें कई सारे ऐसे थॉट्स हैं जिसकी मदद से मैं बिना उसके, बिना किसी आवाज़ के बिल्कुल साइलेंट में मेडिटेट कर पा रही हूँ, और कुछ देर के लिए मैं अपने थॉट्स को काइंड ऑफ कंट्रोल कर पाती हूँ, थोड़ी देर के लिए, इतनी सी देर के लिए। पर वो इतनी सी देर इतनी मज़ेदार है कि आपको इनर पीस फील होता है। आई डोंट नो, मे बी इस जो आजकल मैं मेडिटेशन की प्रैक्टिस कर रही हूँ उसी की वजह से मैं थोड़ा हेल्दी भी फील कर रही हूँ, और थोड़ा इंटरनली हैप्पी फील कर रही हूँ, एनर्जेटिक फील कर रही हूँ। सो या कुछ ही दिन हुए हैं कि मैं थोड़ा नॉर्मल फील कर रही हूँ, लाइक जैसे मैं बहुत साल पहले फील करा करती थी, और बंच ऑफ चीज़ें कर रही हूँ मैं, मेडिटेशन कर रही हूँ पीस में, अफर्मेशंस लिख रही हूँ 369, अगर आपको 369 का रूल पता है कि 3 टाइम दिन में, 6 टाइम दोपहर में एंड 9 टाइम रात में, जो भी आपको अपनी लाइफ में चाहिए 369 के रूल के हिसाब से लिखें, और वो सच होगा, आप अट्रैक्ट करेंगे अपनी लाइफ में। 30 डेज के लिए वो करना है। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड है तो इसमें डिटेल में बात हम कर लेंगे। अगली चीज़ कर रही हूँ मैं, एफर्मेशन सुनते हुए सोती हूँ। एक स्पेशल वीडियो सुनती हूँ मैं रात को सोने से पहले, आई थिंक वो 7-8 आवर्स की है, पर जितना मेरा अवेकन ब्रेन याद रखता है मैं 30-40 मिनट्स में सो जाती हूँ। और उस वीडियो के स्टार्टिंग में वो बोलता है टीचर कि अगर आप इस वीडियो को सुनते हुए सो भी जाएंगे तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है उसको सुनता रहेगा। और उस अफर्मेशन में सारी चीज़ें यही हैं कि मैं बहुत हेल्दी हूँ, मैं बहुत एनर्जेटिक हूँ, मेरी इम्यून सिस्टम परफेक्ट है, लाइक जो भी मुझे मेरी बीमारी को हील करने के लिए चीज़ें चाहिए वो सारी अफर्मेशन उसमें है। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूंगी, अगर
आप सुनना चाहें तो पता नहीं मैंने किसी और वीडियो में इसके बारे में बात की है या नहीं कि जो हमारा ब्रेन है, जो हमारा माइंड है, वो चीजें बहुत जल्दी भूल जाता है. लाइक कुछ मिनट के बाद ही चीजें भूल जाता है और कुछ ही चीजें में बिजी हो जाता है, क्योंकि जो हम कितने थॉट्स क्रिएट करते हैं एक दिन में. पर जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है वो ईयर्स एंड ईयर्स तक चीजें याद रखता है. तो आपके सबकॉन्शियस माइंड को बताना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप रियली क्या चाहते हैं, क्योंकि जो हम रियली चाहते हैं वो दिन में एक दो बार बोल लेंगे पर भूल जाएंगे, फिर और चीजों में बिजी हो जाएंगे, मस्त हो जाएंगे. सो सबकॉन्शियस माइंड को रिमाइंड कराते रहना कि तुम्हें ये चाहिए, तुम्हें ये चाहिए, तो उससे आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, उससे आप इन चीजों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर पाते हैं. काफी मुझे लगता है मोर देन फ्यू वीक्स हो गए हैं कि मैं हीलिंग एफर्मेशन सुनते हुए सोती हूँ, एंड टच वुड आई एम फीलिंग रियली गुड. आई एम ट्राइंग टू हील माई सेल्फ. अपने आप मैं हीलिंग क्रिएट करना चाहती हूँ. यस, मैं दवाइयाँ भी खा रही हूँ, पर दवाइयाँ खाने के बाद भी आप बुरा ही फील करते रहते हैं, आपकी बॉडी पेन में ही रहती है, आप टायर्ड ही रहते हैं. पर इस टाइम मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड हूँ और बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली इस चीज़ में बिलीव कर रही हूँ कि मैं अपने आप को हील करूँगी, जैसे मैं पहले करती थी. और मैंने काइंड अपने आप को मेंटेन कर लिया था, लाइक लेवल पे आ गई थी कि मैं कैसे अपनी लाइफ को अडेप्ट कर लिया था कि मुझे इस तरह से करना चाहिए. फिर डाउनफॉल आ गया, फिर चीज़ें बिगड़ गई, पर अब फिर मैं उस चीज़ पे वापस आ गई हूँ. सो ये है इन्फॉर्मेशन अबाउट मेरी हेल्थ. जो भी दोस्त हेल्थ के बारे में जानना चाहते हैं और मैं मेरी एंग्जाइटी को, हेल्थ को हील करने के लिए कौन कौन सी चीज़ें कर रही हूँ, सो मेनली यही है. और अगर आप एलैबोरेट करके जानना चाहते हैं मुझसे तो मैं इस पर एक स्पेशल वीडियो बना दूंगी. सो बहुत सारी बातें हो गई हैं. सो कल हमारे घर में कोई मेहमान आने वाले थे तो मैंने मेरी बेस्ट दाल मखनी उनके लिए बनाई. ओके दोस्तों, तो आज हमारे घर मेहमान आए, बहुत सिंपल खाना बनाया है मैंने. मैंने बनाई है दाल मखनी एंड उसके साथ है राइस, उसके बाद नान खाएंगे हम लोग उसके साथ. हाय, ओके, मैंने सेम ड्रेस पहनी है क्योंकि कंफर्टेबल है. सो रायता मज़ेदार रेडी है एंड उसके पहले हम लोग बारबेक्यू करने वाले हैं. दाल एंड राइस मैंने इसलिए बनाया क्योंकि मेनली हमारा भोजन होने वाला है बारबेक्यू चिकन एंड सैलड्स. तो फिर भी हमें भूख लगेगी तो हल्का सा दाल चावल खा लिए जाएंगे, नान खा लेंगे हम उसके साथ, रायता है. एंड ऑल्सो ये मैंने मैक्रोनी वाला सैलड बनाया है, इसकी रेसिपी मेरे चैनल पे है. तो ये मैक्रोनी वाला बहुत अच्छा क्रीमी सैलड बनाया मैंने बारबेक्यू चिकन के साथ. सो दाल मखनी का कैसे चलेगा बिना सिरके वाले प्याज एंड मिर्च के साथ, तो मैंने सिरके वाले डिलिशियस प्याज भी बनाए हैं जिनको मैंने फ्रिज में ठंडा होने के लिए रखा है. बहुत अच्छे पिकल बन जाते हैं, आपको इनकी खूबसूरती दिख रही होगी. तो दाल मखनी आज बहुत ही ज्यादा मजेदार बनी है, वो इसलिए क्योंकि मैंने साबुत माँ की दाल यूज की है, उड़द की दाल, और इससे ज्यादा फील आती है. दाल पिछली बार बहुत अच्छी बनी थी पर इस बार और भी ज्यादा अच्छी. ऑलराइट दोस्तों, तो अब समय हो गया है चाय बनाने का एंड हिम्मत का ब्रेकफास्ट बनाने का. मैं आपको थोड़ी देर में मिलती हूँ खाने पीने के बाद. ओके, हाय दोस्तों, यहाँ पे मैं छोटी सी ज़रूरी सूचना देने के लिए आई हूँ. अगर आप टोरंटो GTA के अराउंड घर खरीदना चाहते हैं या बेचना चाहते हैं तो आप मेरे पति को कांटेक्ट कर सकते हैं, वो आपकी मदद करेंगे आपके सपनों का घर ढूंढने में. या फिर कोई भी रियल एस्टेट से रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन है तो उनको कांटेक्ट कर सकते हैं, उनकी सारी डिटेल मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ी है. सो आप उनको इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, सो उन पर फ़ोन पर भी बातचीत कर सकते हैं. सो रियल एस्टेट से रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो किसको रीच करना है, पति देव को. ओके, बिकॉज़ ही इज अ गुड गाय. ओके दोस्तों, मेरी सूचना यहीं पे समाप्त होती है, चंगा बाय. ओके दोस्तों, तो आज बनेंगे मुरली के परांठे. अच्छा, जाओ अपनी उंगली ना. सो हमारी मूली ना अच्छी, बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी, पर हम पता नहीं परांठे की शक्ल तो ठीक है, मूली अंदर कैसे टेस्ट करेगी आई डोंट नो. तो इसके साथ खाने के लिए हमारे पास सैलड है, रायता है, एंड छोटू अपनी प्लेट साफ कर रहा है, एंड दाल मखनी भी है. दाल मखनी. Too overwhelming, so I started running. It stopped being fun and making myself numbers and helping. I got to learn the deal. Guys, look at my tawa. So, yeah, mooli paranda. अब मुझे डाउट था कि मूली बहुत बढ़िया नहीं है तो परांठा शायद अजीब जाना बने, पर परांठे का टेस्ट अच्छा है, हस्बैंड ने कह दिया है. और अब मुझे लग रहा है कि मुझे थोड़ा बड़ा तवा लेना चाहिए क्योंकि मेरा परांठा ना तवे पे फिट नहीं है. ऑलराइट दोस्तों, तो मैंने सारे विंटर्स वाले कोट्स को एडजस्ट कर दिया है, कुछ हिम्मती के रूम में, कुछ इस क्लोज़ेट में, पर यहाँ पे ये काफ़ी सारा सामान है. पिछले कुछ समय में जब से लॉकडाउन ओपन हुआ है तो हमने कुछ शॉपिंग की है, थोड़ी सी हिम्मत के लिए, थोड़ी मेरे लिए,
इवन टाइम पास करने जाते हैं और चीज़ें खरीद के ले आते हैं, वो सारी यहीं पे हैं। एंड इनमें से कई चीज़ें मैं वॉश करना चाहती हूँ पहनने से पहले, सो इनको भी अरेंज करना है, क्योंकि मैंने कई चीज़ें खरीदी हैं लाइक जो सर्दियों में काम में आएंगी, जिन पे अच्छा प्राइस मिल गया मुझे, सो उनको टिकाने लगाते हैं, और जो हिम्मत यूज़ कर सकता है उसको उसकी क्लॉजेट में रखते हैं। और यस, दैट्स अबाउट इट। यह है इन्फॉर्मेशन इन कपड़ों के बारे में। सो ऐसी चीज़ें ली हैं मैंने जो सर्दियों में काम में आएंगी, फ़िलहाल नहीं, सो इनको साइड पर रख देते हैं। हिम्मत के लिए स्नो पैंट भी ली है मैंने, क्योंकि जो उसके पास है ऑलरेडी वो छोटी हो जाएगी, हो ही गई है एक्चुअली, सो ये कमिंग समय में। सो हिम्मत के लिए काफ़ी अच्छी अच्छी मुझे गर्म शर्ट्स मिली हैं, बहुत ब्यूटीफुल सी। लुक एट दिस क्यूट शर्ट। मुझे लगता है कि ज़्यादातर शॉपिंग हिम्मत की हुई है, और कुछ चीज़ें मैंने मेरे लिए ली हैं, पर मेजॉरिटी हमने हिम्मत के लिए चीज़ें खरीदी हैं। इस बार वो स्कूल भी जाएगा तो ज़्यादा कपड़ों की ज़रूरत है, तो लुक एट दिस जैकेट, सो क्यूट फॉर हिम्मत। अंदर इसमें ये लगा है कोजी सा, और बाहर डेनिम है, और कितनी सोहनी है यार। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ हिम्मत के सर्दियों के कपड़ों के लिए। लाइक इट्स फ्रॉम गैप, अगर आप जानना चाहते। ये है मेरे लिए या हस्बैंड के लिए, मीमी के लिए अनदर बहुत कोजी सा। सो ये है मेजॉरिटी ऑफ मेरी चीज़ें जो मैं ज़ारा से मैंने ली हैं। ये एक डेनिम वाली ड्रेस है, इनको मैंने पहन के रख दिया है फिर से, तो ये बहुत ब्यूटीफुल सी एक है। लुक एट दिस गाइस, ये है जंप सूट, वाइट कलर का, बहुत अच्छा फैब्रिक है, ज़ारा से है ये। सो ये वाला भी ज़ारा से है, ये काइंडनेस ड्रेस है पर छोटी सी, और जिसको मैं लेगिंग के साथ पहनना पसंद करती हूँ, एवरी डे काइंड, समथिंग लाइक दिस। ब्लू है एक्चुअली ये, पर ऐसे ब्लैक लग रही है। ओके सो वन मोर, पर ये जो है, ओके ये ड्रेस है, ये भी ज़ारा से है, और ये एक्चुअली सर्दियों के लिए है। इसकी फिटिंग मुझे बहुत अच्छी लगी, और इसकी लेंथ भी इतनी अच्छी है कि आप बूट्स के साथ पहन सकते हो, क्योंकि मैं ज़्यादा छोटी ड्रेसेस पहनती नहीं हूँ, तो इसकी लेंथ भी बहुत अच्छी है। और ये है 59 या सो, ये मुझे काफ़ी प्यारी लगी। ओके एक दिन मैं थ्रिफ्ट स्टोर गई थी, तो थ्रिफ्ट स्टोर से मुझे कुछ चीज़ें मिली थी। अब मोस्टली मैं घर की डेकोरेशन एंड स्टेशनरी लेके आई थी, वहाँ पे बहुत सारी स्टेशनरी मुझे मिली जो कि बिल्कुल ब्रांड न्यू किस्म की थी। आई थिंक वो मैंने किसी ब्लॉग में शूट किया, वो आप फ्यूचर में देखेंगे, पर उसमें मुझे लगता नहीं मैंने आपको ये दिखाया। ये मुझे एक ड्रेस मिली है जो फुल स्लीव्स है, एंड मुझे लगा कि ये अच्छा है, ए लाइन किस्म का है, और इससे मैं इंडियन किस्म से पहन सकती हूँ, लाइक लहंगे के साथ, या फिर यू नो प्लाजो के साथ, पजामी के साथ, कुछ भी यू नो। तो मैंने इसको पहन के देखा, इसकी फिटिंग मुझ पर इतनी ज़्यादा अच्छी है, ऐसे लग रहा है कि ये मैंने मेजरमेंट दे के सिलाई करवाई है। सो इससे मैंने लहंगे के साथ ट्राई किया, तो बहुत अच्छी लग रही थी। सो ये मैंने थ्रिफ्ट स्टोर से लिया, मुझे लग रहा है ये मुझे मिला है $10 में, और इस पर ब्रांड न्यू टैग भी था। सो आई एम नॉट श्योर ये ड्रेस है या कोई सूट था या क्या है, बट ये मुझे बहुत अच्छी लगी मिली। सो कपड़े समेट दिए हैं मैंने इस रूम में से, और अब मुझे पता चल गया कि कहाँ पर क्या है, एंड इनको क्लॉजेट्स में रखती हूँ मैं। सो यहाँ से जो वॉश करने के लिए जाएंगे वो मैंने निकाल लिए हैं। सो इस रूम से हम डन हैं, एंड ट्रांसफ़र होते हैं मेरी क्लॉजेट की तरफ। ऑलराइट, अब मैं रिपोर्ट कर रही हूँ लाइव मेरी क्लॉजेट में से। मेरी क्लॉजेट को देख के ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत ही किसी वेयर हाउस में हूँ। कंडीशन देखें यार, इन्ने सारे कपड़े उत्ते काला माला हो गया है, यहाँ पर मुझे क्लीन करना है। और इस बारे मुझे बहुत बार मैं करती रहती हूँ, पर अब मुझे इतना ज़्यादा बोझ लग रहा है कि कुछ पहनने के लिए मिल नहीं रहा है मुझे। एंड ये ऊपर जो ये इसकी जो हालत है ना, इसको ये जो हालत है ना, इसको देख के मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। और मुझे चीज़ें निकालनी है डोनेट करने के लिए, और कुछ मुझे चीज़ें जो मैंने टैग्स के साथ हैं, और मैंने या एक बार पहनी है या पहनी नहीं है, उनको मैं रीसेल करना चाहती हूँ। सो उसका एक पायल बनेगा। अगर आप इन चीज़ों को ख़रीदने के लिए इंटरेस्टेड हैं, तो प्लीज़ मुझे बताना, क्योंकि मेरे पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने बिल्कुल पहनी नहीं हैं। अगर मैं पहनी भी होंगी तो एक ही बार बिल्कुल नए जैसी होगी। कुछ बैग्स हैं ऐसे मेरे पास, फुटवेयर्स हैं बहुत ज़्यादा,
एंड अगर आप ख़रीदने के लिए इंटरेस्टेड हैं तो मुझे बताना, हम यू नो कुछ कर सकते हैं आप तक पहुंचाने के लिए उन चीज़ों को. और साइजेस स्मॉल होंगे, मीडियम होगा या कुछ चीज़ें लार्ज भी होंगी, क्योंकि मैं बहुत खुली भी ख़रीद लेती हूँ चीज़ें. आज जब मैं मेरी क्लोज़र को क्लीन करूँगी, सो ये तीन पायल बनने वाले हैं. एक तो जो मेरी क्लोज़र में रहेगा, एक जो डोनेट करने के लिए जाएगा, और एक जो मैं रीसेल करना चाहती हूँ. सो यस, ये प्रोसेस को शुरू तो करना चाहती हूँ, पर मैं चाय पीना चाहती हूँ पहले. एक्चुअली जब मैंने अर्लियर व्लॉग शुरू किया था और मैंने आपको बताया था कि मैं चाय पीने वाली हूँ, मैंने मेरे लिए चाय बनाई नहीं थी. मैंने ना मेरे हस्बैंड लेके आए हैं स्ट्रॉबेरी मिल्क हिम्मत के लिए, उसमें खूब सारी आइस क्यूब्स डाल के पी ली, क्योंकि बहुत गर्म सा मौसम है आज और मेरा चाय पीने के लिए मन नहीं किया. पर अब मैं काफ़ी देर से चीज़ें कर रही हूँ और मैं थक गई हूँ, तो मैं सोचती हूँ चाय की ब्रेक ले लेती हूँ और उसके बाद इसको आगे टैकल करूँगी. वैसे भी जब मैं यहाँ पे आती हूँ, मेरा दिल नहीं करता यार, बहुत काम होने वाला है. और जब ये क्लीनिंग का काम मैं करूँ, तो मुझे होता है कि जब मैंने ये सारा सामान बाहर निकाल लिया, तो एंड ऑफ द डे मेरा सारा काम फिनिश होना चाहिए. पर अब ऑलमोस्ट मुझे लग रहा है 3 बज रहे हैं और मैं व्लॉग को भी एडिट करना शुरू करना चाहती हूँ. सो काम बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, क्योंकि मैं आपको फ्लोर दिखाना नहीं चाहती हूँ, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि मैंने बहुत सारी चीज़ें ट्राई कर करके ऐवें रख दी हैं. ये ऊपर वाली हालत तो आपको दिख ही रही है, की कितना जाएगा इस हिम्मत की सलाह लेते हैं. अगर हिम्मत कहेगा कि कल करेंगे तो कल करेंगे, ओके? मैं चाहती हूँ कि वो कल करे, कहे, उसी से पूछ लेते हैं. आज ना दिन भी बहुत ज़्यादा गर्म है और मैंने एसी भी ऑन नहीं किया है, तो मैंने ना पसीने आ रहा, हिम्मत नहीं आ रहा. ओके मीमी, दिस इज़ अ वेरी वेरी ट्रिकी क्वेश्चन, कम हियर, आई वॉन्ट यू टू बी वेरी ऑनेस्ट. आर यू रेडी? ओके, honest mean don't lie. Okay, Himmat. Look at my closet. It's so messy, right? Mm-hmm. What do you think I should clean today or tomorrow? Because today is too late. What do you think? Clean today or tomorrow morning? Tomorrow. Now this is a critical decision. So do you want me to clean it now or clean it tomorrow? Clean it tomorrow. Tomorrow? Yeah. Why? Why you choose tomorrow? I don't know, because you're born. Aww, thank you so much. Thank you. Okay, I'm done. Mama? For the day. ऑलरेडी दोस्तों, तो हिम्मत ने कल चूज़ किया है. उसने कहा कि तुम्हारी बोन्स टूटी हुई हैं, फिर तुम्हारी बोन्स में पेन हो जाएगी अगर तुम ज़्यादा काम करोगी, तो कल कर लेना. मैं चाहती थी कि वो कल करे, उसके दिमाग में मैंने डाल दिया था कि कल कहना, लाइक हाँ कहा नहीं था मैंने उसको, पर उसको मैंने वाइब्स भेजी थी कल की, तो वो कह रहा कल, सो कल ही करेंगे. हैव सम चा. ऑलराइट प्यारे दोस्तों, सो आज के व्लॉग के लिए बस इतना ही. उम्मीद करती हूँ आपको ये प्यारा सा व्लॉग अच्छा लगा होगा. अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और मुझे मेरे सोशल मीडिया पे फॉलो करें. सारे सोशल मीडिया के लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मेरे सोशल मीडिया, मेरे हस्बैंड एंड हिम्मत का भी. एंड अगर आप टोरंटो GTA के अराउंड घर खरीदना चाहते हैं या बेचना चाहते हैं, उसके लिए भी आप मेरे हस्बैंड को कांटेक्ट कर सकते हैं, वो आपकी मदद करेंगे. वो एज अ रियल एस्टेट एजेंट काम करते हैं, सो वो आपकी मदद कर सकते हैं ब्यूटीफुल सा हाउस खरीदने के लिए या बेचने के लिए. सो उनकी सारी डिटेल भी मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. सो मैं मिलूँगी नए व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और बिल्कुल मत भूलें दोस्तों, यू गाइज़ आर ब्यूटीफुल द वे यू आर. स्टे हैप्पी, कॉन्फिडेंट एंड स्ट्रॉन्ग. वी गाइज़ कैन डू एनी फ्रीकिंग थिंग. All you have to do is think about it and take action. That's it. That's it. Easy peasy, lemon squeezy. I love you guys very much. Bye.